राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा की अध्यक्षता में धर्मपुर कॉलोनी में मीटिंग आयोजित। 18 अक्टूबर को कैथोलिक इकट्ठे होंगे क्षत्रिय समाज के सभी लोग। राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के संयोजक एवं हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लेकर आने वाले समाजसेवी शेर सिंह राणा ने धर्मपुर कॉलोनी पिंजौर कालका रोड पर महावीर ऑटोमोबाइल बलवान ठाकुर के दफ्तर में एक मीटिंग का आयोजन किया वीरवार को। इस मौके पर यहाँ आगामी 18 अक्टूबर को हरियाणा के जिला कैथल में क्षत्रिय समाज के सभी संगठन और लोग इकट्ठे होने के लिए अपील की गई। इस मौके पर यहाँ पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के संयोजक एवं समाजसेवी शेर सिंह राणा ने कहा कि गत जुलाई महीने में कैथल में क्षत्रिय समाज के लोगों पर मौजूदा भाजपा सरकार ने लाठीचार्ज का जो काम किया है वो निंदनीय है, जिस कारण समाज के लोगों को घायल करने और मामले दर्ज करने और गिरफ्तारी करने को लेकर विरोध स्वरूप हिंदू हृदय सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक कार्यक्रम 18 अक्टूबर को कैथल में किया जाएगा और हरियाणा में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समाज के लोग अगली रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी के संबंध को लेकर गांव-गांव और शहर में मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, आज पिंजौर प्रेस वार्ता का मकसद ये है कि 18 अक्टूबर को कैथल में क्षत्रिय महाकुंभ होने जा रहा है। मकसद ये है कि जो बीजेपी की खटारा सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का वहाँ पे संकल्प लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 19 जुलाई को बीजेपी ने सरकार ने लाठी चार्ज कराया कैथल में क्षत्रिय समाज के बुजुर्गों के ऊपर, क्षत्रिय समाज के युवाओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छुड़वाए और अरेस्टिंग करवाई और इतिहास चोरी करवाया, उसकी खिलाफ जो है ये कैथल में महाकुंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारी के लिए हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का हर कार्यकर्ता पदाधिकारी और क्षत्रिय समाज के सभी संगठन गांव-गांव में जाके लोगों से आह्वान कर रहे हैं।